नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर में पानी में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की दर्दनाक मौत से ग्राम में कोहराम मच गया। थानापुरा कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झाबर के मजरा मातेरा में बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए बनाई गई खदान में डूबने से एक ही परिवार के चार बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ग्राम झाबर के मजरा मातेरा निवासी संतोष प्रजापति के 8 वर्षीय पुत्र अरविंद और 7 वर्षीय पुत्र नरेंद्र और संतोष के भाई मुकुंद प्रजापति के 14 वर्षीय रविंद्र और 12 साल के ब्रजेंद्र दोपहर करीब 3 बजे गांव के पास बने खदान में खेलते खेलते जानवरों को देखने गए थे। चारों बच्चे जब काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन की। बच्चे नजर नहीं आए तो खदान के पास चारों बच्चों की चप्पल और कपड़े रखे हुए थे। गांव वालों ने पानी में उनकी खोजबीन की तो चारों बच्चों को गहरे पानी से निकालकर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक बच्चों के परिजनों एवं गांव वालों में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने हत्या कर बच्चों को खदान में फेंके जाने का आरोप लगाया है। मृतक बच्चों के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर जमीन के विवाद को लेकर बच्चों की हत्या कर खदान में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ हमारे साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था साहब। जमीन का झगड़ा चल रहा था। जमीन का झगड़ा चल रहा था, हदबंदी कार्रवाई थी। कैसे चल रहा था झगड़ा? कैसे चल रहा था? गुमान से। गुमान कौन है आपके? हमारा चाचा है। आपका नाम? हमारा संतोष नाम। कच्चो नाश करवा दियो। ग्राम मातेरा थानापुरा कला अंतर्गत एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें ये पता लगा कि चार बच्चे जो गांव के बाहर तालाब है उसमें नहा रहे थे, वो डूब गए। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद घटना है, चारों बच्चों की डेथ हो गई। प्रधानी कार्यालय संरक्षण सुनिश्चित कर।